अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की जरा हमजा जो है अभी लेट है, एक दो दिन तक आ जाएगा और होता तो जरूर ज्वाइन करता। और सॉरी अबाउट दैट, वीडियो लेट हो गई है। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है एज ऑफ वाटर राउंड टू हेल। और उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके मत भूलिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली और इसे क्लैनिक बाल शो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सरकार इतने सख्त कदम उठा रही है पर तेरे जैसे की समझ में नहीं आ गया। ये सारी चकड़ खराब नहीं है, ये आजकल इतने टेंशन बढ़े हैं कि काम बता, काम क्यों आया है? अबे यार, जब हम सुबह बाइक पर थे ना तो शायद मेरा कहीं पर्स गिर गया, और यार बंदी को कश्मीर भी घुमाना है, थोड़े पैसे दे दे। अबे कब तक मुझसे मांगता रहेगा? मैं सभी शहरवासियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से केवल 1.25 लीटर पानी मिलेगा। सरदार, पिछले हफ्ते 1 लीटर पानी कटौती करी आपने, फिर से 1 लीटर पानी कटौती कर रहा हूँ, ऐसे कैसे जिएंगे सरदार हम? हमारे शहर का पानी का स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हम करें तो करें क्या, अब इसी में गुजारा करना पड़ेगा। सरदार, अफवाह तो ये भी फैली पड़ी है पूरे शहर में कि आप पीने के पानी से कौन धोते हो। छिली पड़ी है, कोई भी आकर चेक कर सकता है। आओ हम उस पानी तक पहुंच सकते हैं जहां अभी पीने लायक पानी बचा हुआ है, लेकिन ये प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है और ये प्राचीन भाषा हमारा शहर का केवल मुनीर ही पढ़ सकता है। मुनीर, मैं सरकार बुला रहा हूं, जल्दी चल। एक मिनट रुक, तू पीछे को आ जा नहीं तो जल जाएगा। यस, हमें पानी मिलेगा, बचा हुआ पानी मिलेगा हमें पीने लायक। सरकार, मुनीर की तो दोनों आंखें फूट गई है। उसकी आंखें नहीं फूटी बल्कि हमारी किस्मत भी फूटी है। अच्छा, कोई है जो जा सकता? मेरे हिसाब से हमें इस दिशा में जाना चाहिए। अबे मैप तो पढ़ ले। मैप तो हम वैसे भी नहीं पढ़ सकते। तो किस हिसाब से जाना चाहिए इधर को? मेरे तुक्के के हिसाब से। ऐसे तो मेरी मजबूरी, मेरा मतलब मेरे तजुर्बे के हिसाब से हमें इधर जाना चाहिए। 2 घंटे बचेंगे अपने, चल भाई चल अबरार। ना, सरदार ने कहा था गुलाम की बात माननी है। अरे तू गुलाम से कहां मरे वाले, मैं तो इधर कुछ आऊंगा, 2 घंटे बचेंगे मेरे। अबरार गांड में मान नहीं है, मोड नहीं है। एक दिन ना इसका ईगो लेके इसे सूख जाएगा। सूख जाएगा, चले वहां सूख ली। तीतर पड़ से तुक्के क्यों लगा रहा गुलाम? तूने तो बोला था तुझे मैप पास आता है। नहीं आता है? तूने सरदार से झूठ बोला? वैसे भी तो हम मरने वाले थे, कितना पानी बचा था शहर में, इतना पानी जो मिला है ना, ये भी मेरे झूठ की वजह से मिला है। इतना पानी हमें पूरे साल भर में नहीं मिलता। अच्छा तू ही बता, पिछले साल कितना पानी मिला था हमें? 60 लीटर। और अब जो मिलता है 60 लीटर? मैं झाटू सब बनने वाले शहर में। कोई नहीं मरेगा यार पानी के बिना शहर में। और तेरे अब्बा के तो पानी के कुएं चल रहे हैं चांद पे। जा रहा हूँ मैं, बता दूंगा उन सबको तूने झूठ बोला है। हाँ चला जा, तो तोड़ दे उन सब की उम्मीद। जो 15 दिन में मरने वाले वो आज मर जाएंगे। बिल्कुल, और ये तो झूठी उम्मीद देना हुआ ना गुलाम। उम्मीद होती झूठी है। नहीं, मैं तो देर में आया था,
देख लिया विजन आ रहे हैं कुछ नहीं लीटर पानी पियेंगे। अबे तो एक दो घूंट पी लेना बुड्ढे, ये दो लीटर का क्या हिसाब बैठ रहा है? क्या साठ ही सूते का सारे पानी का? हमारे जमाने में ना इतना पानी पीते थे, इतना भर भर के पानी उंधाते थे, इसीलिए पानी की कमी नहीं होती थी इस जमाने में। दिल भर चचा तुम कुछ भी कह लो, एक घूंट पानी नहीं देंगे तुम्हें। एक काम करो, पानी के तीन हिस्से कर लो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। है? तीन हिस्से क्यों? तीन क्यों, चार होंगे, एक मासूक अली का भी तो। मैं पानी दे रहा हूँ ना, ना पानी। ए दिल भर बुड्ढे, ये मेरा सारा पानी लगा दिया, मैं इसे छोड़ूंगा ना अबरार। अब कोई फायदा नहीं है, हमें सिटी लौट जाना चाहिए, क्योंकि ना अब हमारे पास पानी है और ना तुमसे नक्शा पढ़ना आता। हैं? नक्शा पढ़ना ना आता? मैं तो ये बढ़िया लेके काम जा रही है, ऐसे तो हमें ये पूरे पेड़ में दे देगा, पूरे शहर से बताऊंगा आप। मैंने झूठ बोला था, मुझसे पढ़ना आता है ईमानदारी से। तो बता फिर कहाँ चलना है? हमें चलना है सेक्टर 17। सेक्टर 17 उस वक्त सेक्टर किधर था? सेक्टर दिख रहा है तुझे? रेगिस्तान की तरफ चलना, रेगिस्तान। सुबह होते ही रेगिस्तान की तरफ। बिल्कुल पुराना जमाना था, नहीं होता पाया आजकल दे। ये नए कल बीच में लेके आ रहे हैं, बिल्कुल जल्दी चलना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक से बढ़कर एक सुअर देखा, पर इस बुड्ढे जितना बड़ा सुअर आज तक नहीं मिला। अबे बुड्ढे, ये एक लीटर पानी भी की छोड़ा? एक लीटर? एक बूंद ना छोड़ू तेरे लिए मुर्गी चोर। अबे तो ये पानी का जमीन फाड़ कर निकल। ओ आया सरदार, मैं हूँ क्या? तू पीछे रह ले। अब सरदार तुम ना हो,
तुम्हारे और हमारी पोजीशन एक ही टीम में। पोजीशन साले एक ही पोजीशन में मारूंगा, वो भी 69 वाली में। तुमने गुलाम को समझ के रखा, एक सांस में ना 15 रैप्टे मारता हूँ। कौन हो बे तुम? हम है रेगिस्तानी लुटेरे। तो पानी चाहिए? हाँ दे दे, पी लूंगा। अबे मजबूरी की पैदाइश, हम है लुटेरे, हमें पानी चाहिए। कहाँ तुम्हारा पानी? पानी नाम तो ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ ले चलो सिकंदर के पास। अबे यार ये क्या लगा रखा तुमने हर जगह? सिकंदर सिकंदर सिकंदर। अबे मैं हूँ तो यहाँ पे। साला फिर से शुरू हो गया। चल चल सिकंदर के पास। वैसे कौन है ये सिकंदर? जल्दी चल कभी बुरा मान जा। राम कर लो इनामुल्ला। ये खाली है, इसमें डाल दो पानी इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं इसमें। नाइस। अजीब है ना, मैंने कभी नहीं देखे बेफिजुल में भागते हुए रेस के घोड़े। तू कौन है बहन के लड़े? सोते हुए सांटे, एक झापड़ में तेरी तकदीर बदल दूंगा। गरम मसाले तो है। मसालों का क्या करोगे आका? आज डिनर में चिकन तंदूरी होगी। माशूक अली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरा सिकंदर से छछुंदर बना दूंगा साले। आंख मैं इसकी टांगे उठा दूंगा। खाने के लिए सिकंदर मकसूद तेरी माँ की ऊंट। इन्हें पकड़े रखना, कहीं जाने मत देना। टेंशन मत लो आका, शाम तक यहीं मिलेंगे। शाम तक मकसूद की माँ का ऊंट है क्या? अबे लैट्रिन में गिरे हुए गाढ़े शैंपू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरा नाम लेके मुझे मत पुकारा कर। मैं तुझे कभी आका नहीं कहूंगा। तू भूल गया है कि मेरा ही पानी छीन कर तू सरदार बना है, और ये साले तेरे चेले मेरी कहीं भी बेइज्जती कर देते। खैर इन बातों को छोड़, अब मेरे हाथ में खुजाट हो रहा, बता क्या करूं? वहीं आकर बता दूं। अबे बता क्या करूं इन हाथों का? अरे लो मुट्ठी मार। मैंने बताया यार। नाइस। क्या चुभ रहा है ये? क्या चुभ रहा है? फड़ी के रेतीले जोनी सिंस। आका बहुत बढ़िया, इस पंच में तो मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। वाह 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 वाह।
ये दिखाऊं भी लगे। सुनो, जितना पानी हो सके चुरा लो और जो बचा सो पी जाओ। हम ना चुराते, तू ही चुरा साले मुर्गी चोर। एक ऐसा साला भटिया सा, मराने दो उसे। क्या नाम है पाली का बाजार के प्रिंस ऑफ पर्सिया वो। हम ना उससे पता नहीं क्यों भेजा है इसे मेरे साथ। अबरार तुम चुराओ। जब जब पीता है ना वो जड़ा जाया करता रहे ना अबे गुलाब के आंख के कौन सा दौरा पड़ गया तुझे ये पता ना किस वैरायटी का पड़ गया ऐसा दौरा। अबे भाई एक हाथ तो छोड़ दे या सारी नफेस करेगा। गुलाब क्या हो गया तुझे? काले जिन मिन चल गया तुझ पे। चलो थोड़ा पानी पी लो। दिल भर में ना कभी चोरी करी है और ना कभी चोरी की हवा पानी पिया है और आज पी लूंगा। पीनेगा रीके पुड्डे। पुड्डे जब तुझसे कही थी पानी चुराने को तो बहुत बड़ा वाला पानी भक्त बन गया। एक घूंट मारन दे। ले इसका घूंट मार ले। अरे बुड्ढे तू पानी ढूंढने आया था या पानी पीने आया था? सारा पानी ढकार गया। उधर सिकंदर की सारी बोतलें फोड़ाया। मैंने फोड़ी वो साले तूने फोड़ी वो मुर्गी चोर। मुर्गी चोर मत कहा कर मुझे। वो मुर्गी नहीं है, मेरे अब्बा की आखिरी निशानी है। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुर्गी नहीं है वो, मेरा भैया, मेरा भैया। मैं क्या तेरे अब्बा ने टांग उठाई क्यों मुर्गी की? तेरी अम्मा ने अंडा दिया। पुट्टे तेरी अम्मा अंडे दे रही है। ना कहूंगा ना कहूंगा। पानी
थाना सरदार ने इस अबराज को क्यों भेजा हमारे साथ? खबर खोजने भेजा है तेरी। नहीं है। अच्छा वैसे मैं मारा। अच्छा सरदार आप बहादुर को क्यों नहीं भेज रहे हमारे साथ? बहादुर बहुत ही लैंडी और डरपोक इंसान है, ये सफर तय करना उसके बस की बात नहीं। पर सरदार उसके बिना मैं इन सबको नहीं बचा पाऊंगा, ये बात तो आपको ही पता है। उसकी जगह मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ। कैसी किताब? सुनो अबरा, तुम अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाना, मुझे तुम पर भरोसा है। किताब का तो पेपर नहीं नीचे रखा था, वो वर्का एक रख के तो उसको तो मुंह दिया था, तोड़ के पता नहीं चला गया था। स्टार्टिंग में सुन गया जोश चढ़ता है तो ये सबसे शुद्ध पानी हमारे पास, तो फिर पानी क्यों ढूंढना है? क्योंकि अब मैं सिर्फ 7 लीटर तक ही मोच सकता हूँ। जब मैं 11 साल का था तब मैं 72 लीटर तक मोटता था। जैसे जैसे मेरी उम्र जा रही है वैसे वैसे मेरी मोटने की क्षमता कम होती जा रही है। और सरदार ने इस चमत्कार को सब शहर वालों से छुपा कर रखा ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। ओहो, इसका मतलब कैंट देता है सबसे शुद्ध। बहादुर ने फोड़ी सिकंदर। बहादुर ने? बहादुर? बहादुर कौन है? मैं हूँ भाई। ये क्या कह रही है? ये कैसा बहादुर? गलत निकल आया, वो दूर है काफी। गलत एंट्री हो गई। अब वो फोटो गलत टीला कोड दिया। गलत टीला कोड दिया। इना मुल्ला कहाँ है? कौन सा रसगुल्ला? तुमने वो क्या है जिसकी सजा सिर्फ कब्रिस्तान बना रखा है। बिल्कुल सही बात है गुलाम भाई। ठीक है मैं चल लिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुमने वो किया है जिसकी सजा सिर्फ मौत है, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं।
थैंक्स ब्रो। बुरी बात सुन ले, चमकती रात में चमकते हुए चमगादड़ के छोटे चूतड़, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। पर सॉरी ब्रो, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, खुद को मार के तीन को बचा लो या तीन को मार के खुद को बचा लो। त्रेन मार दे तू बच जाएंगे, नहीं तो अपने आप मार ले तो तीन बच जाएंगे। बहुत खूब, ये कुर्बानी याद रखी जाएगी। बेटे गुलाम, मैं तो तुझे बड़ा बुरा आदमी समझता। मारे गाने मगर लाग गए हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे। अच्छा साले हो, अबे इसमें दारू मारनी पड़ेगी। बेटे साले पे चिंचा रहा पागल हो गया क्या गुलाम? अबे छोड़ अपना, अबे इसका बाप अगर 5 रुपए खर्च कर लेता ना तो इस बुड्ढे की बट्टा सुआ निकलेगा गुलाम, तू मुझे बता दे। अगर 5 रुपए छोड़ अपना पन्नी लगा देता हमरा देखे जितना बदतमीज है, इतना मुझे भर रात से परेशान करा। अगर हम में से कोई मरेगा तो ये मरेगा। कोई नहीं मरेगा गुलाम, मौका है भाग लेते। जीभ मारी जाली, जीभ तो लग गई। आपने तो बड़ा स्टंट मारा था, चाक जीभ मारी तो वो कपड़ गई। ऐसे कंदर मेरे मासू कड़ी भी छोड़ देना, माफ मांग दो। दया हर किसी के बगीचे में उगने वाला फूल नहीं है। आए बस, बहुत हुआ सिकंदर अब तेरा। अबे अबे सुनो, सिकंदर बिरयानी बांट रिया, बिरयानी बांट रिया है, बिरयानी सिकंदर बिरयानी चलवा रिया। तलवार की नोक पे किसको नहीं सुधार सकते, 2-2 लीटर पानी है तजुर्बे वालों को। मैं तो पहले कह रही था सिकंदर भाई बुरे आदमी है नहीं, वापस लाया सर। हाँ गए, जल्दी चला गाड़ी चल। एक प्लेट बिरयानी लगाते, 2 प्लेट कोरमे की और 1 नहारी की। तेरा क्या? एक पनीर पकौड़ा, एक दाल मखनी और 2 पटाटा। रायता बूंदी का है मेज। मिक्स मैंने कही थी बाटिए पे भरोसा मत करो, मैंने मेरी कोई सुनाई का है। सिकंदर अब मेरा मासू कली ना मुझे दे दे, मैंने लिया है। भरोसा और प्यार हर किसी पर नहीं करते। इसकी चाल खत्म, दो तीनों का गेम शुरू, गेम और रोचक बना गया। कुर्बानी मांग रहे सच्चा नहीं, हमें तुम्हारे तजुर्बे की जरूरत है। बेटे बलिदान सिर्फ ताकत पर लोग देते हैं। बलिदान सिर्फ ताकत पर लोग देते हैं, तलवार ही नहीं निकल रही।
आदमी साटा रस्सी चल गई पर बल गया। मेरा नाम सिकंदर नहीं अगर मेरी कमर में हम पे पानी है, मेरा यकीन कर हम पे बहुत पानी है। उंगली नीचे का, नीचे का उंगली है, नीचे का उंगली है, सपना नहीं आता। मैं फिर झूठ बोल रही है। हाँ, उंगली नीचे, नीचे का। जिसको केवल एक खानदान पढ़ सकता था। हाँ, मुझे पढ़ सकता था। खुदा नहीं है, आँख पर पटाखा फूटा है, बस अंधा हुआ है। ये खुदा तेरा आँख सुखा है। किस कदर और एक्टिंग कर रहा है। पता है किधर जाना है? हाँ, मैं जानता हूँ किधर जाना है। मैंने इस रेत के एक एक कण को देखा है, एक एक जर्रे से वाकिफ हूँ, हर एक टीले को बहुत करीब से देखा है। हमें ये रेगिस्तान पार करने के लिए सबसे पहले इधर जाना होगा। चलो आगा, रेगिस्तान तो इधर शुरू हुआ है, खत्म तो इधर जाके है। टीले रास्ता पकड़ रहे हैं, टीले रास्ता बदले। अपनी गलती नहीं। तुम भी चाहिए था ना चाचा? क्या हुआ चाचा? कुछ नहीं मेरे बेटे। थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, सफर अभी बहुत लंबा है। अपनी डबल बेड की चादर साफ लेके। अरे भैया, गलत पार्टी में बैठ गया। इसकी रात हम में से कोई नहीं सोएगा, क्योंकि हम इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। एक तो गया। उसमें खबर है, ये कैसा अवसर है तुमसे मिलने के बाद। दिल भर उसमें खबर है तुमसे मिलने के बाद। दिल भर बन गई नूरा फतेह। रात लंबे आ लंबे आसी काटू तेरे संगे। अगर अब एक और आवाज आई ना तो पूरा फतेह अली खान बना। पूरा फतेह अली। नींद आ रही है। चले गए और कांड तक आ गए। क्या 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 दोनों एक साथ? भाई एक बात बताओ, हम में से पांच लोग किसने मिला दिया थी मोड़ने के लिए जा रहे हैं? ले यही उतर गए। ओह शिट।
सुध भाई, ये तो पानी पीने के बाद पानी कहाँ था क्या? अबे कोई पानी नहीं पी रहा, ये तुम्हारा बहन है, प्यास और नाक नींद की वजह से। ऐसे जाते रहो। पत्थर तो नहीं हो गया जाग जाग। बहुत अच्छी चलो ये नहीं बहुत आगे जाना है। वो तेरे होते हैं यासी मतलब ये स्टोरी एंड लग ही नहीं रहा किरे मन लग रहा एंड हो जाने भाई फुल फ्रेश महसूस हो रहा है एकदम ताजा ताजा। हमें तो बहुत बढ़िया नींद आई है ये गाना था। अबे हमें क्या कमाई है 1959 में आई थी ऐसी नींद। अरे हमारे का तो एक खराटे भी 1959 देखो चलो सिकंदर की तरफ चलो। इधर है सिकंदर। मेरी बात ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो। और जितना हो सके एक दूसरे का साथ देना है। समझ ना रहा मैंने क्या कहा। हाँ सुन लिया। सिकंदर का बहुत लंबा है, हम सबको मिलवा के लेना है। रास्ते में जितनी हो सके एक दूसरे की मार। ये बाकी एक एक करके टहले गए सारे। नींद आई है मेरी बात सुन। ये सिकंदर जो है ना ये है एक नंबर का चूतिया। तो बरार नहीं है बहन का लोड़ा तो ये है ही सिकंदर नहीं बात नहीं है आ गो पानी अपने पास ओ ये ना है कहाँ है पानी। पानी तो मुक्ता तो है। अच्छा ठीक है नहीं मौका सही है नींद में ये सहेंगे। तू भी कर दे। हेलो हे गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो एंड गाइस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। लाल वाला बटन है उसको दबा दो और गाइस विंडो ऐप डाउनलोड करो और खेलो वहां पर ढेर सारे गेम और जीतो रियल मनी। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले हैंगिंग लिंक आ रहा होगा तो फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है ना। हां जल्दी मिलेंगे इस बार जल्दी 5 महीने बाद है ना। पांच नहीं दबा दूंगा बन बना होगा ना बनाया होगा भाई वो जल्दी आ जाएगा 15-20 दिन तक लगी हो सकता है। और और ये है कि वीडियो काफी अच्छी थी और स्टोरी भी अच्छी है इन्होंने लिखी हुई है और उस पर काम भी अच्छा किया है। और जिन जिन ने ये कैरेक्टर निभाए हैं अच्छे निभाए हैं वैसे और एक्टिंग अच्छी कर रहे थे सारे। फनी भी थी थोड़ी सीरियस टाइप भी थी कुछ सस्पेंस टाइप भी थी। ज़्यादा ही सस्पेंस वही ना अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो सका कि उस लड़के को कहाँ से वो उसको गुलाम बनाया गया है। वो वैसे शिफ्ट का नाम गुलाम है और वो कैसे ऐसे कैसे आया ये तो अगले पार्ट में ही सारी समझ आएगी। और ये है कि बाकी मैं इनका देख रहा था इन्होंने कहा था कि वीडियो को बार बार देखना तभी जाके समझ आएगी और मुझे लग रहा है कि हमें दोबारा देखनी पड़ेगी और समझने के लिए वीडियो लग रहा है हमको 6-7 बार रिएक्शन देना पड़ेगा उसके बाद। नहीं रिएक्शन तो हमारा नेचुरल ही है पहली दफ़ा ही देख रहे हैं तो लेकिन ये है कि बाद में हम समझेंगे इस वीडियो को और देखेंगे गौर से। तो बाकी जितना समझ आया उस हिसाब से तो ये है कि वो जो वो अपने मतलब पुराने दौर में जाता है तो वहाँ पर वो पानी ज़ाया करता रहता है
क्योंकि उसने वो टूटी ओपन की होती है और साइड में खड़ा होता है और पानी निकल रहा होता है, और दूसरा वो जो पाइप के साथ ऐसे ऐसे खेल रहा होता है पानी जाया कर रहा है। जब भी पानी पीता है उसे विजन आते हैं, उसको यही विजन आता है कि ये मतलब पानी पहले मैं जाया करता था, अभी पानी के लिए मैं तरस रहा हूँ। वो होगा घर पे ही, ये विजन चल रहा है। और इसमें मतलब एक सबक भी है कि पानी जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी ऐसा ऐसा दुनिया में सभी जगह पे कम हो रहा है, एज ऑफ वाटर और बाकी कम हो रहा है पानी की, और इसमें कोई शक नहीं है। तो यही सबक जाया नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि इन्होंने करेक्टर जितने भी निभाए हैं, और सिकंदर वाला करेक्टर वो उन्होंने फनी है थोड़ा सा रखा हुआ, और थोड़े से मतलब वो मसाले भी देता है, और ठीक दे रहा था सीरियस में, गालियां भी दे रहे हैं मतलब उसको थोड़ा सा फन मतलब किया हुआ है उसके साथ इन्होंने। और ये है कि वसीम को इतना खास रोल इन्होंने नहीं दिया, और उसको बहुत कम ही लेके आए हैं वीडियो में एक तो गलत टीले में निकल आया उधर उसको मार ही पड़ रही है उसी। और बाकी ये है कि वसीम दूसरा नाजम का रोल जो है वो भी अच्छा है, और फटी हुई जैकेट उसको पहनवाई हुई है, और उसका नाम गुलाम क्यों है, या उसका नाम ही गुलाम है, या उसको किसी ने गुलाम बनाया हुआ है। वो गुलाम उसका है ना, वो जो स्टार्टिंग में वो नहीं आया जो तकरीर कर रहा पाशा बनाया वो पाशा नहीं, वो सरपंच टाइप है कुछ, सरदार सरदार टाइप सरदार का आया था उन्होंने, सरदार वो उसका होगा शायद। और ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, और मज़ा भी आया वीडियो देखकर, और इन्जॉय भी किया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, और एक दफ़ा सब्सक्राइब के बटन पे नज़र दौड़ा लें, रेड है तो उसे हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सब्सक्राइब है बहरहाल बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देखकर और इन्जॉय किया, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो उस पर भी हम रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। और वीडियो ज़बरदस्त थी, इन्जॉयबल थी, इन्जॉय किया, और काफ़ी चीज़ें थी मेंशन करने वाली, क्योंकि वेट कर रहे थे, उन्होंने जो टाइटल रखा हुआ बड़ा जबरदस्त है एज ऑफ। और एक और भी चीज समझ नहीं आई ना, वो उसका नामुल्ला किधर गया है, ऊंट जो है उसकी जगह चिप क्यों पड़ी हुई है अब, वो चिप जो मुझे भी समझ नहीं आ रही ना, मेमोरी कार्ड वहां पे क्या कर रहा है, और वहां से वो गायब कैसे हुआ घर से, वो समझ नहीं आ रही। तो हॉलीवुड की मूवी थी मेरे ख्याल में इस किस्म की, वो दुनिया के वो लोग इकट्ठे करते हैं गैंगस्टर, और जिन्होंने रेप किए होते हैं या कुछ गलत किया होता है लाइफ में, और उन लोगों को इकट्ठा करके किसी और सियारे पे छोड़ देते हैं, वहाँ पे वो शिकारी होते हैं और वो एलियन होते हैं, उनको मारते हैं। इनका सिस्टम भी स्टार्टिंग में वैसे ही था कि वहाँ से वो एक पानी ज़ाया कर रहा था, और बाकी तीन चार कहाँ से आए हैं, वो उसके साथ जो चाचा थे वो उसको कैसे जानता है, और दो तो चलो उधर से आ गए, ये वो पुराना बता रहा है कि वो तीन सरदार का गुलाम सरदार ने भेजा है ना, लेकिन ये गुलाम था और इसको भेजा है, इसने झूठ बोला है उधर से निकलने के लिए कि मुझे पता है सारा रास्ता और नक्शा भी पढ़ लेता हूँ ये वो, तो उस हिसाब से सरदार ने इसको भेजा है इन लोगों के साथ। कंक्लूजन जो है ना वो ये है कि ये तो घर में था, आप वो समझ नहीं आई ना कि वो उसका गुलाम कैसे बना और उधर चला गया कैसे, जानता भी है गुलाम थोड़ा सा, और वो पता नहीं अब अगले एपिसोड में ही अब क्लियर होगा, मे भी हो सकता है। उन्होंने एक्ट अच्छा किया है और उन्होंने रोल अच्छे पकड़े हैं, और जैन ने जो मेन रोल उसको दिया गया है वो अच्छा निभा रहा था, और बार बार बीच में बकचोदियाँ हो रही थी, कभी हाथ पे तलवार लग रही थी, बीच में गाना शुरू हो गया और उसके बाद उसने पाँव पे मार ली, और ये छोटे छोटे सीन थे। उनकी नोक जो अच्छी थी, वो जो लड़ रहे थे स्टार्टिंग में, वो चाचा और नाजिम थे मेरे ख्याल में, वो लड़ रहे थे कि तेरी मांडे देती है उस पर लड़ देते, और वो नोक जो स्टार्टिंग में हुई है वो ज़बरदस्त थी, और इस तरह मैं कहूँगा वीडियो ओवरऑल ज़बरदस्त थी, और मज़ा आया वाकई देख के, एंजॉय भी किया, लव भी किया। और हमजा का बता दें, हमजा जो है वो कराची है, अभी आया नहीं है, आप लोगों को ये हो रहा होगा कि ये दोनों बैठे हुए हैं, तो हमजा अभी आया ही नहीं है कराची से, वो कराची में है, और आएगा तो इंशाल्लाह ज्वाइन करेगा, मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वो उसके साथ ही होगा इंशाल्लाह। और वीडियो ज़बरदस्त थी, इन्जॉय किया, आई होप ये वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय की होगी हम लोगों के साथ, अगर इन्जॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वो रेड वाला अगर बटन नज़र आ रहा है तो उसको ब्लैक कर दें, कुछ भी करें उसको क्लिक करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सेम नाम से है, इसलिए आपको हो सकता है कि डाउट हो कि यार ये सब्सक्राइब है नहीं है, तो चेक कर लें प्लीज़, थैंक यू, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस। ਹੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੇ ਵੀਰੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਗਰ ਸੱਪ ਪਾਤੀ ਵਾਲਾ